हर बार इस्तांबुल आने के बाद मुझे नए रेस्टोरेंट में आने का मौका मिलता ही है। हाँ, ये वाला भी अभी अभी बना है। यहाँ के शेफ पहले ही 5-स्टार होटल में काम कर चुके हैं। फिर मिस्टर जान आने के बाद जल्दी से ऑर्डर प्लेस करते हैं, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है। ओ, वो आ गए। ये क्यों आ गई? हेलो, सॉरी, ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा ना, रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। ओ नहीं नहीं, हम भी बस अभी अभी आए हैं, सो डोंट वरी। हेलो, हाय जान। ये अच्छा हुआ कि प्रेजेंटेशन की सक्सेसफुल अनाउंसर भी आज हमारे साथ है। वेलकम, प्लीज हैव अ सीट, बैठ जाइए, बैठिए ना। थैंक यू वेरी मच। हेलो हेलो सनम, न सिर्फ एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट राइटर है पर वो मेरी गर्लफ्रेंड भी है। उसने इस कैंपेन में जी जान लगा दी है और आगे भी इस कैंपेन को वही संभालेगी, तो इसलिए मैं आप सबसे मिलवाने लाया। अब जान, आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, मतलब आप में कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। वैसे वो कैंपेन लाजवाब थी। Well, मैं इसका क्रेडिट पूरी टीम को दूंगी, सब मेहनत कर रहे हैं। जी सही कहा। ओ एंड लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू एर्डिन एर्सोय, ये टर्की में हमारे ब्रांड कंपास के रिप्रेजेंटेटिव। हेलो, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। बातें तो होती रहेंगी, खाने के लिए कुछ मंगाया जाए? हाँ जरूर, क्यों नहीं। ठीक है, फिर मैं जल्दी से मेन्यू मंगाता हूँ। हेलो, कैसे हैं आप? हेलो मिस्टर फाबरी। हेलो सर, वेलकम। क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि मैकिनन, आपको खाना पसंद आया ना? हाँ, मुझे खाना तो बहुत पसंद आया, पर बस मुझे एक चीज है जो बहुत परेशान किए जा रही है। क्या हुआ? एंजो फाब्री उस टेबल पर बैठा है, हमारे उसके साथ कुछ अच्छे ताल्लुकात नहीं है। बहुत ही शातिर आदमी है वो। कुछ वक्त के लिए वो हमारे साथ काम कर रहा था, हमारे लिए कुछ अच्छे परफ्यूम्स बनाने वाला था। फिर हमें पता चला कि उसने वही परफ्यूम का फॉर्मूला किसी और कंपनी को भी बेच दिया है। हम बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गए थे। उस वक्त हमें मार्केट से हमारी प्रोडक्ट लाइन भी हटानी पड़ी थी। और फिर हमें पता चला कि उसकी कंपनी एनिमल्स के ऊपर परफ्यूम एक्सपेरिमेंट कर रही थी। हम काफी प्रॉब्लम में फंस गए थे, इसलिए वी ब्रोक द पार्टनरशिप। ऑफ कोर्स हमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान झेलना पड़ा। उसके साथ बिजनेस करना छोड़ो, उसके साथ एक जगह पर बैठने को भी घिन आती है हमें। एनीवे, लेट्स कट दिस कॉन्वर्सेशन नाउ। उस आदमी ने हमारी कंपनी को बर्बाद कर दिया था, पर इस शाम को वो बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर पाएगा। मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा मिस्टर जान। सो लेट्स रेज अ टोस्ट, एक अच्छी पार्टनरशिप के नाम और एक अच्छी शाम के नाम। ओ, वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अब हमें चलना चाहिए, कल मुझे मेरे जापानीज पार्टनर्स के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है। जान, मुझे बहुत खुशी है कि हम दोनों इस प्रोजेक्ट पर साथ में काम करेंगे। मी टू, थैंक यू वेरी मच। मिस सनम, आपसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई। गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। मिस्टर जान, हमें आप पर पूरा भरोसा है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू सो मच। आप नहीं जा रही? इतनी जल्दी नहीं। वेल जॉन, बोलो जी। फैब्रिक के फिक्री हरिका में अभी भी कुछ शेयर हैं। अनफॉर्चुनेटली। पर मैकिनन को अगर ये पता चलेगा तो वो हमारे साथ काम नहीं करेगा। हाँ शायद, पर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हमें ऑफ कोर्स पता नहीं था कि उनकी इतनी गहरी दुश्मनी होगी। तो अब आप क्या करेंगे? मैं कल जाकर फैब्रिक से मिलूंगा, उसे शेयर्स लौटाने के लिए कन्विंस करूंगा, फिर देखते हैं। I hope everything goes well. हो जाएगा। And by the way, Jeda, thank you. तुमने हमारी बहुत हेल्प की है। Oh, my pleasure. I hope सब ठीक हो जाए, क्योंकि आपकी कंपनी के लिए ये बहुत ही अच्छा चांस है। हाँ। I think आप लोग यहीं बैठेंगे। हाँ, हमने डिसाइड किया है कि हम यहीं बैठेंगे। ठीक है, तो फिर मैं निकलती हूँ। Alright. Good night, see you, my dear John.
हमेशा ऐसे ही करती है, लोमड़ी कहेगी। जाना, I'm sorry, पर अब हम क्या करेंगे? क्या हुआ? सॉरी किसने बोल रही? फैब्रिक के बारे में और मेरा परफ्यूम। सनम, फैब्रिक के बारे में बात नहीं करते हैं ना। नो फैब्रिक, प्लीज क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। पर वर्क कुछ नहीं सनम, मैंने कहा ना फैब्रिक का सब्जेक्ट आज नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा। ओके, वैसे भी मैंने हम दोनों के लिए कुछ बहुत अच्छा प्लान किया है, तो फैब्रिक का नाम लेकर उसे खराब मत करो प्लीज। अननेसेसरी मूड खराब नहीं करते ना। ओके, लेकिन कैसा प्लान? सरप्राइज है, आ जाओ। नहीं, सरप्राइज आ जाओ, कुछ तो बताइए ना। सरप्राइज है लेकिन कुछ तो बताइए ना जान, हम जा रहे हैं। सरप्राइज है, बता दूंगा तो सरप्राइज कैसे रहेगा? नहीं प्लीज बताइए ना जान। बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है ना। सॉरी, मॉम का कॉल आ रहा है। हाँ ऑफ कोर्स, फोन तो आना ही था। हेलो मॉम। सनम, कहाँ हो तुम? आपको बताया था ना मॉम, मैं बिजनेस डिनर के लिए बाहर हूँ। आपकी आवाज़ ऐसी क्यों है मॉम? पापा चले गए हैं। कहाँ चले गए मॉम? वो घर घर छोड़ के चले गए। ऐसे कैसे, आप दोनों का झगड़ा हुआ क्या मॉम? आए सुन हर जगह गॉसिप कर रही थी, मैंने मेली हाँ को बताया और उसने जाकर सब आए सुन को बता दिया। तुम्हारे पापा को आए सुन ने बता दिया और वो मुझसे बहुत नाराज हुए और मुझे कितना कुछ सुनाया और घर छोड़ कर चले गए। इसमें मेरी गलती है मॉम। ठीक है, मैं आती हूँ, डोंट वरी मॉम। क्या हुआ जान? डैड को हमारे बारे में पता चल गया और वो मॉम पर गुस्सा होकर घर छोड़कर चले गए। मुझे जाना होगा। ओके, ठीक है। एंड योर सरप्राइज, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, बाद में दे दूंगा। मॉम, क्या आपको, आप रो क्यों रही हैं? पापा को सैनम और जान के बारे में पता लग गया और वो घर छोड़कर चले गए। हाँ चले गए, और मुझे नहीं पता वो कहाँ है। अरे मॉम, वो कहाँ जाएंगे? बस मोहल्ले में राउंड मारकर फिर से घर आ जाएंगे। इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं जानती हूँ, मुझे पता है हम कितने सालों से साथ में हैं, पर आज तुम्हारी वजह से मुझे उनसे झूठ बोलना पड़ा। मोहल्ले में बदनामी हो रही है। मॉम आप हमें क्यों ब्लेम कर रही हैं? ये मोहल्ला ही चुगली खोरों का है। मोहल्ला जैसा था वैसा ही है, तुम्हें तो बचपन से पता है ना, यहाँ सारे चुगली करते हैं। सैनम को देखो अभी तक घर नहीं आई है ये। मॉम, मैंने दरवाजे पर उनके जूते देखे, मैं जानती थी कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं होंगे ना। क्या पापा तुम्हें दिख रहे हैं यहाँ पर? अपने स्लीपर पहन कर घर से चले गए वो। याद कहो तुम, याद जल्दी घर आ जाओ, क्या करूं मैं? मॉम प्लीज रोही मत। याद जल्दी घर आ जाओ। हाँ हाँ ऐसे ही बांधो। निहात कहाँ हो? ओ निहात कहाँ चले गए? डैड मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। क्यों उठाएंगे वो फोन? उन्हें कितना बुरा लग रहा पता है तुम्हें? ये सब मेरी वजह से हुआ है, आप खुद को ब्लेम मत करो, ये मेरी गलती है। नहीं तुम्हारी गलती नहीं है, गलती तो हमारी है। तुमने अपने बॉसेस से प्यार किया, उनके पीछे पीछे घूमती रही और मोहल्ले में हमारी बदनामी हो रही है। मॉम जान अच्छे इंसान है, मैंने कहा ना वो हमारे रिलेशन को लेकर सीरियस है। अगर इतना ही सीरियस होता तो यहाँ पर आकर शादी का हाथ मांगता, ऐसे दर दर भटक कर सबको इंटरव्यू में नहीं कहता कि मैं शादी नहीं करना चाहता, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मॉम जब उन्होंने वो इंटरव्यू दिया तो हम रिलेशन में नहीं थे, तो वो इंटरव्यू हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। चुप रहो, तुम्हारी वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हुई है। हाय मेरा सिर, ओ गॉड, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द, हम उससे सहन नहीं हो रहा है, मुझे अपने रूम में ले जाओ। आइए मॉम, आराम से मेरा फोन मुझे दे दो, मेरी मदद कर दो, तुम्हारे पापा पता नहीं कहाँ चले गए, कहाँ रात गुजारेंगे, मैं क्या करूँ उनके बिना, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। ठीक है मॉम, हम यहीं बैठते हैं। रिया तुम कहाँ चले गए, मैं क्या करूँ। वहाँ फाबरी भी था, उसे देखकर सब सरप्राइज हुए। ओह माय गॉड, क्या बोल रही हो तुम? जरा लाइफ में कुछ अच्छा काम हुआ नहीं, ये फैब्री काम बिगाड़ने के लिए आ जाता है। मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है, जान को भी बुरा लगा।
मुझे तो परफ्यूम उसे देना है लेकिन जान नहीं मानेंगे। मैं समझ सकती हूँ सनेम, उन्हें फैब्री से कल बात करने दो। ओके ठीक है। डैड आप कहाँ हो यार? उस्मान ने नई कार ली है। और बाय द वे वो अब कास्ट हो चुका है, वो ऑफिशियली अब ये काम कर रहा है। आज वो मुझे ऑफिस आया था सरप्राइज देने के लिए। अच्छी बात है। और उसके बाद हम लोग टूर पर गए, हम साथ में बैठे थे कि सडनली उसने मुझे आई लव यू कहा। क्या कह रही हो? इससे पहले कहा तुमने? इससे पहले भी ऐसा कुछ हुआ था, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, मैंने सोचा आज तुम्हें बता देती हूँ। उसने आज अपने दिल की बात मेरे सामने खुलेआम बोल दी सनीम। ठीक है फिर तुमने क्या कहा? मैं क्या कहती, कुछ नहीं। उस्मान मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, मैं कुछ नहीं बोल पाई। और वैसे भी आई स्टिल लव एम्ब्री। देखो लाला, उस्मान अच्छा लड़का है, वो सालों से तुम्हारे प्यार में है। क्या तुम, तुम्हारे दिल में एम्ब्रे की जगह उस्मान को दे पाओगी? नहीं कभी नहीं। एक तो डैड मिसिंग है और हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं। कहाँ गए होंगे? इससे पहले उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। गुड मॉर्निंग डैड। आपने शॉप अभी तक नहीं खोली? ये मैं आपके जूते लाई हूँ। मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। डैड मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं और आपके दिल को ठेस पहुंची है। ये बातें मोहल्ले में फैलने से पहले मुझे आपको सब कुछ बता देना चाहिए था, मैं डर गई थी। आई एम सॉरी, पर आप मॉम पर गुस्सा मत होना, वो तो मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी और कुछ नहीं। डैड प्लीज मुझसे कुछ बात करिए, गुस्सा कीजिए, चिल्लाइए, पर कुछ तो बोलिए। आई एम सॉरी डैड, मुझसे गलती हो गई। गलती मुझसे हुई है। खैर अब वक्त बर्बाद मत करो, ऑफिस चली जाओ। लैला, डैड घर आ गए क्या? नहीं, मैं उनसे मिलने गई थी। डैड कल रात से घर नहीं आए, पूरी रात शॉप में सोए थे। ओह थैंक गॉड,
हमें भी शॉप में चेक कर लेना चाहिए था। तुम्हें देखकर कुछ कहा उन्होंने? कुछ नहीं कहा लैला, मैंने माफी मांगी बट ही डिडंट केयर, उन्हें बहुत ठेस पहुंची है। नॉर्मल बात है ये सनी, वो तुमसे ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मेरी वजह से सबको कितनी तकलीफें झेलनी पड़ रही है। फिक्र मत करो सनी, सब ठीक हो जाएगा। पापा घर नहीं आए ना? मॉम फिक्र मत करिए, सनीम ग्रोसरी स्टोर गई थी, वो वहीं पर हैं। उन्होंने बात भी नहीं की मुझसे। कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ, तैयार हो जाओ वरना लेट हो जाओगी। फोन नहीं उठा रहे हैं, मैं कब से कॉल कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ गए हैं। मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है सनीम। मिस्टर एमरे, मैंने जान को कॉल करने की कोशिश की पर वो फोन नहीं उठा रहे। वो फाबरी से मिलने गए, डोंट वरी, वो जल्दी आ जाएंगे। आई होप वो फिर से शेयर्स ले लें। आ गए। भाई सब कैसा रहा, कुछ गड़बड़ हुई क्या भाई? भाई तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे, वॉज इट सो बैड? वो पागल है, शेयर्स देने के लिए तैयार ही नहीं। कितना समझाने की कोशिश की मैंने, ऐसे नहीं होगा, हमें कोई और रास्ता ढूंढना ही होगा। तुमने उसे कुछ किया तो नहीं ना? किया ना, नाक तोड़ दी मैंने उसकी। वो सनम के परफ्यूम से ऑब्सेस्ड है, उसे पता है ये मेरा वीक पॉइंट है। मैंने तुम्हें जो बोलने के लिए कहा था वो कहा या नहीं? मुझे वो कैंपेन भी नहीं चाहिए और शेयर्स भी नहीं। मैकिनन को मैं कल कॉल करूंगा और कॉन्ट्रैक्ट खत्म करूंगा। पर ये क्लाइंट बहुत बड़ा है, फैब्रिक को जो चाहिए वो दे देते हैं। सनम मैं कह चुका हूँ। पर जान सनम, मुझे फिलहाल बहुत गुस्सा आ रहा है, तो प्लीज शांत हो जाओ, मुझसे बहस मत करो। ओके भाई काम डाउन, ट्राई टू स्टे काम एंड सेंसिबल प्लीज। काम और सेंसिबल, वो आदमी मेरे सामने भी आया ना, मैं उसकी जान ले लूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। जान जान क्या हुआ आपको? कल रात डिनर पे हमें ये पता चला कि मैकिनन और फैब्रिक के बीच बड़ी दुश्मनी है, इसलिए भाई फैब्रिक के शेयर्स वापस लेने गए थे। I can't believe it. Of course, वो हमें शेयर्स नहीं देगा। इस कंपनी में क्या हो रहा है, कोई आकर मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं करता? जो हुआ अभी हुआ डेरिन, वेल इस सर्कमस्टेंसेस में कैंपेन को लाइव लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है। उफ, ये फैब्रिक नाम की प्रॉब्लम यहाँ कैसे आई? डेरिन दैट्स एनफ, अब कोई भी सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करेगा प्लीज, चाहे फैब्रिक चाहे मैकिनन हो। मैं मैकिनन को कल कॉल करके समझाऊंगा कि यही पार्टनरशिप हम आगे नहीं ले जा सकते। भाई अगर तुम चाहो तो मैं फैब्रिक से बात करूं। नहीं नहीं, अब उस इंसान से कोई भी बात नहीं करेगा, समझे? मैं कोई नया सलूशन ढूंढता हूं, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? मैं अभी जा रहा हूं, मैं बहुत गुस्से में हूं, थोड़ी फ्रेश एयर चाहिए। मिस्टर जान, मैं आती हूं आपके साथ। जान डेविड यहाँ है, उन्हें इन्फॉर्म करती हूँ। वो हम पर छोड़िए। मिस्टर जान, जान डेविड, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा और वो भी अभी के अभी। आपके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज हुई है, कंप्लेनर का नाम है एंजो फैब्रिक। आप ऐसे नहीं ले जा सकते, देखिए इन्हें कहां ले जा रहे हैं आप? ऑफिसर आखिर बात क्या है बताइए मुझे। आपको डिटेल्स पुलिस स्टेशन में मिल जाएंगे। शांत हो जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा, ओके? अगर तुम्हें ऐसे परेशान देखूंगा तो सिचुएशन से निकलूंगा कैसे? काम डाउन प्लीज। एमरे लॉर को कॉल करो। वो आ रहे हैं मिस्टर जान। रुकिए, मैं भी आपके साथ आ रही हूं। सनम, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती लैला, मुझे भी तुम्हारे साथ चलती हूं। मैं तुम्हें कॉल करता हूं, ठीक है? पर मुझे अपडेट देते रहना। ये मिस्टर जान के साथ क्या हो गया?
impounding, threatening, offense, property damage, मारामारी, ये सारे accusations देखकर चांद देवित को punishment मिलने से कोई नहीं बचा सकता। आपके lawyers ने कमाल कर दिया। Aileen, जंग तो बस अभी शुरू हुई है। उसने जो कुछ किया है उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत बड़ी कीमत।